नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में आपके साथ सोनू। इस वक्त की बड़ी खबर रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र से है, जहां एक रात में दो बगीचों में बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। एक बगीचे से 3 कीमती चंदन के पेड़ बदमाश काट लिए गए हैं। वहीं दूसरे घर के पास ही लगे 3 कीमती चंदन के पेड़ों के साथ अन्य सामान बदमाशों ने पार कर दिया है। घटना की जानकारी सुबह हुई तो परिजनों के होश उड़ गए। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना करने के बाद अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। बताया जाता है कि इस क्षेत्र में लंबे समय से चंदन तस्कर सक्रिय हैं, जिनके द्वारा कई बार चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। बदमाशों ने रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के महासुआ निवासी विख्यात सिंह और राजेश सिंह के बगीचे से चंदन के पेड़ों की चोरी की है। बदमाश चंदन के पेड़ को काट कर इत्मीनान से चुरा ले गए और आसपास के लोगों को भनक तक नहीं लगी। सुबह जानकारी होने पर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। फिलहाल पुलिस मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि रीवा जिले में लंबे समय से चंदन चोरी की घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन चंदन तस्कर पुलिस की पकड़ से अभी भी दूर हैं।